दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमको एक अनुभव जो है एक साधिका हैं वो अपना भेजी हैं और उन्होंने जो है इसका टाइटल रखा है माय लिटिल एक्सपीरियंस विद लॉर्ड शिवा, मतलब आन के छोटे छोटे जो अनुभव हुए होंगे उसके संबंध में ही हमको बताना चाहती हैं। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं कि इनका आखिर क्या अनुभव है और क्या ये कहना चाहती हैं। हाय सर, मैं पहले भी आपको एक मेल किया था रिगार्डिंग शिव साधना। सर, मैंने बहुत बार सोचा कि आपको मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंस या यू कहें कि व्हाट आई हैव फेल्ट टिल नाउ फॉर शिवा ये सब शेयर करूं, पर कर नहीं पाई। इनफैक्ट आज के टाइम में इस सब पे पता नहीं कोई बिलीव करेगा या नहीं करेगा। सो मैंने आज तक ये अपनी स्पिरिचुअल साइड किसी से शेयर नहीं करी। वैसे भी ये सब किसी से शेयर करना सही नहीं लगता। आप धर्म और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं तो आपसे शेयर कर रही हूँ। आपसे गाइडेंस चाहिए तो दिल करा कि आपसे शेयर करके आपके विचार और गाइडेंस लूँ। सर, आई होप कि आप मुझे गाइड करेंगे। अगर आपको सही लगे तो इस पर वीडियो भी बना सकते हो। सर, मैं बचपन से फोर्थ और फिफ्थ जो है क्लास में थी तब मैं अपने नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी होते हैं उनके साथ जो बच्चे थे उनमें से कुछ में मेरी अच्छी फ्रेंड्स थी तो उनके साथ मैंने अक्सर शिव मंदिर को जाया करती थी। उसके बाद शिव में निष्ठा बढ़ती गई और जब भी खेलती या फ्री होती कर बैठी थी तो अक्सर मुझे शिव के बारे में सोचना, उनकी इमेजिनेशन करना यानी कि उनके बारे में सोचना, उनका विचार करना, वो सब कैसे दिखते होंगे यह सब बहुत सुकून देता था, यानी काफ़ी अच्छा लगता था। और फिर जैसे ही शिव भजन कहीं से भी कानों में सुनाई देता था तो मैं बहुत ही खुश फील करती थी, यानी बहुत ही खुश हो जाती थी। धीरे धीरे बड़ी हुई पर शिव से लगाव अंदर से कभी नहीं गया। फिर बचपन में एक दिन सोने जा रही थी, जैसे ही आईज क्लोज करके शिव का चेहरा एकदम से आया और मैंने घबरा कर आईज ओपन कर ली। कुछ सेकंड के बाद समझ में आया कि या तो शिव के चेहरे हो जैसा धुंधला जैसा था। जब मैं बड़ी हुई तो यूनिवर्सिटी करने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा मुझे शिव को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। एंड मैंने शादी के बाद एक दिन खुद मंदिर जाकर हाथ में जल लेके संकल्प लेके उनको अपना गुरु बना लिया। उसके कुछ ही दिन बाद मेरे पेरेंट्स की साइट बाबा बालकनाथ और शिव शक्ति के मंदिर है, वहाँ एक संत जो वहाँ बैठते थे और सेवा वगैरह करते हैं, वहाँ एक दिन जागरण वगैरह था। यहाँ मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ साथ में हुआ है वह मेरे लिए आउट ऑफ वर्ड था और आउट ऑफ थॉट्स था, यानी कि इनकी सोच और इनकी संग जो समझ होती है उससे कहीं ज़्यादा अद्भुत हुआ। सर, वहाँ शिव की झांकी निकली जा रही थी और एक छोटा बच्चा शिव के स्वरूप में डमरू त्रिशूल पकड़ के खड़ा था और यह सब शिव के रूप को महत्व तक देख रहे थे, मतलब माथे तक दिखाई दे रहा था और फिर सब शिव का भजन में गा रहे थे, नाच रहे थे। मैं भी तालियां बजा रही थी और खड़े होकर मगन थी शिव का भजन में। तब अचानक से बहुत अच्छी ठंडी हवा चलनी शुरू हुई। एक सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे मुझे किसी पावर ने एकदम से पूरा जो है घुमा दिया, बट मैंने कंट्रोल ना खोया और खुद को संभाला। पर फिर जैसे मेरा खुद पर कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैंने सेंटर में यहाँ शिव रूप बना के जो बच्चा खड़ा है उसके हाथ से डमरू पकड़ के खुद गोल गोल घूमने और नाचने लगी। I mean, जैसे कोई अपने आराध्य शिव की मस्ती में खोकर डमरू ऊपर से करके बजाता है और नाचता है। तब जोर से एक झटका लगा और मैं फिर आउट ऑफ कंट्रोल होके नीचे ग्राउंड पे लेग्स क्रॉस करके बैठ गई जैसे नॉर्मली हम बैठते हैं। लेकिन तुरंत के जो बैकबोन स्ट्रेच करके जो मेरी आईज एकदम क्लोज हो गई और मैं बहुत ज़ोर से चीखते हुए बोली ओम नमः शिवाय। और फिर मैंने हाथ ऊपर को करके नमस्कार करते हुए बोला कि श्री गुरु देवाय नमः। 5 से 6 टाइम आई रिपीट दिस एंड फिर हाथ नीचे नीज पर लगा लिए,
जैसे कोई योगी तपस्या में बैठते हैं, वैसे ही मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया। मुझे मेरी सिस्टर ने बताया था कि इस दौरान तुझे पापा उठाने आए, बट तू अपने मंत्र उच्चारण में इतनी मस्ती की, तुझ में इतना जोर आ गया कि तूने पापा को भी पास नहीं आने दिया, किसी को भी टच करने नहीं दिया। खैर, जैसे ही मैंने चीखते हुए जोर से मंत्र उच्चारण किया तो ऐसा लगा जैसे फोरहेड के सेंटर में शिव सामने बैठे थे और वो अपनी जगह से एकदम गायब हो गए। तभी कोई चीज़ मेरे माथे के सेंटर के पास आती जा रही थी धीरे धीरे, पर अचानक वहाँ जो संत हैं उन्होंने मुझे पे जल छिड़का दिया और जैसे ही उन्होंने किया, चीज़ फीलिंग अपने आप मेरे पास माथे के सेंटर से दूर जाती फील करने लगी। एंड मैं आइज़ क्लोज करते हुए ही उनको बोलने लगी कि शिव मत जाओ, आप पता नहीं कितने जन्मों से आपके पीछे हूँ, प्लीज़ मत जाओ। एंड तब सब शांत, वाह, मेरी आइज़ खुल गई बिल्कुल। वहाँ मंदिर के सामने मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का, कोई विचार नहीं, बस आँखों में तो सिर्फ पानी, आंसू, शिव से दूर जाने का आंसू। सर, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ी शिव भक्त हूँ, पर मैंने जो महसूस किया, क्या वो सिर्फ इम्पैक्ट या सराउंडिंग था या इसका कोई मीनिंग था मेरी लाइफ में? बिकॉज ये सिर्फ बॉडी पे से उस धार्मिक जगह का इन्फ्लुएंस होता है, तो जो मैंने महसूस किया अपनी अंतरात्मा से वो तो झूठा नहीं है। इस सब का क्या मीनिंग है मेरी लाइफ में, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। सर, उसके बाद तो मैं जैसे भगवान शिव भक्त में खो गई। डमरुओं की आवाज़ अच्छी लगती थी, मुझे शिव का नाम लेना अच्छा लगता था, पर एक गलती हो गई मुझे, जिसके बाद से भक्ति और जुड़ाव कम हो गया मेरे शिव को लेके। मैंने शिव अपने गुरु की किसी वजह से कसम खाई और उस कसम को निभा नहीं सकी, और उसके बाद जो शिव तत्व मेरे अंदर पैदा हुआ था वो ख़त्म हो गया। मेरी बहुत इच्छा है कि वो शिव तत्व मेरे अंदर दोबारा आए। मेरे गुरु मुझ पे फिर से कृपा करके मेरी गलती को माफ़ करके मुझे अपनी कृपा में लें। मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे कृपा बताएं। और सर, हरि ओम नमः शिवाय भी कोई मंत्र है? एंड ओम नमः शिवाय की जगह हम क्या हरि ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं? कृपया गाइड करें। सर, मैं अपने नाम और एंटिटी, ईमेल कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती वीडियो में, बस मार्गदर्शन चाहिए, कृपया हो सके तो गाइड करें, अपने विचार दें, थैंक्स। तो ये देखिए, ये इन्होंने भेजा है और इनका नाम और ईमेल वगैरह जो इन्होंने मना किया है तो मैं वो नहीं दूंगा, और नाम तो इन्होंने खुद लिखा भी नहीं है। तो इनकी देखिए ज़िंदगी का जो समझ में आ रही है बात, वो ये है कि गुरु के रूप में तो हम किसी भी देवता को मान सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन लक्ष्य होता है कि गुरु साधना या होता है इष्ट को प्राप्त करना, दोनों में एक क्लियर चीज़ तो होती है। पहली बात तो ये क्लियर होना ज़रूरी होता है कि आप गुरु किसको बना रहे हैं और गुरु किस कार्य के लिए बना रहे हैं, और इसके अलावा इष्ट को प्राप्त करना लक्ष्य है या गुरु को प्राप्त करना लक्ष्य है, तो ये भी आपके साथ क्लियर नहीं था, इसलिए जो है इस तरह की चीज़ें आपके साथ घटित हुई, क्योंकि डायरेक्शन की कमी हो जाती है। अधिकतर मैं देखता हूँ जब भी आदमी खुद गुरु बना लेता है तो फिर उसमें डायरेक्शन की कई गलतियाँ उसके साथ हो जाती हैं। दूसरी बात, अगर आपने किसी जीवित व्यक्ति को गुरु बनाया होता और उसकी कसम खाई होती, वैसे ही हाल आपने भगवान शिव के नाम से यहाँ पर कसम खा ली और वो चीज़ को आप पूरी नहीं कर पाई, या जो भी कारण रहा हो उसके पीछे, तो निश्चित रूप से तो आपके जो है गुरु के साथ संबंध टूटा, क्योंकि गुरु के नाम से कोई गलत कार्य नहीं किया जा सकता है। अगर कोई मुझसे दीक्षा लेता है और उसके बाद फिर साधना करता है और फिर वो गलत कार्य करने लगता है, तो वो एक प्रकार से गुरु से अपने आप को तोड़ लेता है, क्योंकि मैं नहीं बल्कि जो पीछे से वो मंत्र की शक्ति है, जो गुरु शक्ति बन के आपका साथ दे रही है, वो अदृश्य पराशक्ति की शक्तियाँ जो हैं वो आपका सहयोग कर रही हैं। लेकिन वो जब ये देखती हैं कि यह जिस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है उसके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, गलत कर रहा है, या उसके नाम से कुछ ऐसा कर रहा है जो नहीं उसे करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे स्तर पर होता है जो आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाला, तो आध्यात्मिकता में भौतिकता बिल्कुल भी काम नहीं करती। भौतिकता आपको आपकी सोच को चतुराई से भर देती है, लेकिन आध्यात्मिकता चतुराई को बिल्कुल समाप्त कर देती है। मैं शब्द ही समाप्त हो जाता है, यानी मैं, मेरा अस्तित्व, जब अपना अस्तित्व समाप्त होता है तभी आपको आध्यात्मिकता की प्राप्ति होती है। लेकिन भौतिकता मैं तत्व पर ही निर्भर करती है, यानी मैं कुछ, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ऐसा करूँ, मैं ये प्राप्त करूँ, मैं इसे ही
ऐसा करूं वगैरह वगैरह कुछ भी उनसे ले लीजिए आप। तो मैं तत्व भौतिकता का मूल प्रतीक है और मैं तत्व की समाप्ति यानी स्वयं की समाप्ति करना ही आध्यात्मिकता मेन उद्देश्य होता है। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ होनी स्वाभाविक सी बात है, इसलिए उस चीज़ से बचने की आवश्यकता होती है। कभी भी गुरु बनाइए। देखिए, पहली बात तो गुरु बनाना, जब आपको गुरु ना ही मिल पाए, बिल्कुल कोई आशा ही ना हो, तभी गुरु बनाना चाहिए। और जिसको आप गुरु बनाते हैं उसके बराबर आपको तप करना पड़ता है, तभी आप उस गुरु के बराबर पर खड़े हो सकते हैं, तभी आप उससे जुड़ सकते हैं। और ख़ास तौर से जब अशारीरिक गुरु होगा तो फिर आपको कितना अधिक तप करने की आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं कि आप बना नहीं सकते, लेकिन आप बनानेंगे तो आपको उतना ही तप करना पड़ेगा। जिस तरह भगवान शिव 24 घंटे ध्यान मग्न रहते हैं, उसी तरह आपको रहना पड़ेगा। तो आप निश्चित रूप से अपने गुरु से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, आपके गुरु आपको हर तरह का मार्गदर्शन भी देंगे और मोक्ष की तरफ भी लेके जाएंगे, भौतिकता भी देंगे, जो भी उनका शक्तियाँ होंगी वो सब आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ सोच लेना कि मेरे ये गुरु हैं और मैं इनकी भक्ति करता हूँ और इससे मेरे को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो सशरीरी गुरु से तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, अशरीरी गुरु से आप प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि आप उनकी ऊर्जा के बराबर हो नहीं और आपने उनको गुरु भी बना लिया। गुरु के बगल में खड़े होने के लिए आपको अभी कोई शारीरिक गुरु हो या साक्षात गुरु जिसे हो, उसके बगल में जाके आप खड़े हो सकते हैं, उसे कुछ पूछ सकते हैं। आप भगवान शिव के बगल में खड़े होने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है, या किसी भी कोई किसी को भी आप गुरु बनाइए तो नहीं है। हाँ, इसमें आप टेक्निकल बात की जाए तो टेक्निकल बात यह है कि जैसे अगर आपको भगवान शिव रामचंद्र जी को प्राप्त करना है, एक छोटी सी बात मैं लेके देता हूँ कि अगर आपको भगवान राम को प्राप्त करना है, उसके लिए अगर आप हनुमान जी को गुरु बनाएंगे तो आपका काम बहुत अच्छी तरह बनेगा। ये एक गोपनीय बात है, लेकिन मैं इसके अलावा नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर लोग वही करने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी फिर उनसे गलतियाँ हो जाएंगी, क्योंकि लोगों की आदत है कि जो है उन्हें कुछ करना ना पड़े और सहजता से उन्हें हर चीज़ प्राप्त हो जाए और कुछ मेहनत करना नहीं चाहते किसी भी क्षेत्र में। तो इसलिए मैं वो आगे की बात नहीं बताऊंगा या और देवताओं के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ हनुमान जी का मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि वो दंड देने में भी कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आपने उनको गुरु बनाया और भगवान राम की उपासना आप कर रहे हैं, भगवान राम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हनुमान जी से अच्छा कोई गुरु आपको मिल नहीं सकता है। लेकिन वो दंड देने में भी कोई गलती नहीं करेंगे। अगर आप गलती करते हो तो वो आप दंड के तुरंत ही भागीदारी हो जाते हो। रही बात, आपने पूछा कि आपके साथ जो कुछ भी घटित हुआ, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक मानसिक स्तर होता है, एक आध्यात्मिक स्तर होता है। मानसिक स्तर से ही आध्यात्मिक स्तर शुरू होता है। तो मानसिक स्तर पर आप उनसे पूरी तरह से उस समय जुड़ गई थी, लेकिन आध्यात्मिक शक्तियों की वजह से ही ऐसा हुआ, वरना ऐसा संभव ही नहीं था कि आप अपने ऊपर से पूरी तरह से काबू खो दें। ऐसा नहीं होता है, ऐसा तभी होता है जब आदमी आध्यात्मिक रूप से उस चीज़ से जुड़ जाता है। इसलिए दोनों बातें हैं, और जितना आप डूबेंगी, जितना आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा, जितना आप उस प्रकाश के नज़दीक हो जाएंगी, आपको उतनी ज़्यादा सफलता मिलती चली जाएगी, आप उतना ही ज़्यादा और ज़्यादा अलौकिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि ऐसा जो है आपके मस्तिष्क के एक स्तर से हुआ है, इसमें आध्यात्मिकता भी पूरी तरह से शामिल है, और यही रहस्य है जो आदमी स्वयं ही जान पाता है, ये क्योंकि किसी को बताता नहीं है। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो अगर आप इसी तरह से सच्ची और श्रद्धा और भक्ति रखें। एकदम से अचानक से कुछ चीज़ें कुछ क्षण के लिए घटित होती हैं, और ये सबके साथ होता है, आप ही नहीं हैं और सबके साथ होता है। इसलिए आप विश्वास रखिए, भगवान शिव पर विश्वास रखिए, साधना कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये था इनका अनुभव भगवान शिव की साधना से रिलेटेड, और पूछ रही थी कि मानसिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर में कहाँ कमी या स्थिति रहती है। तो ये दोनों ही बातें मैंने आपको बता दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।